रायपुर कस्बे के निकटवर्ती गेगा का खेड़ा ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कूड़ी में आयोजित हुई 65वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। वहीं समापन समारोह कार्यक्रम का मंच उस वक्त राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया जब सरपंच शंकरलाल शर्मा तथा मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल व कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा ने एक दूसरे पर विकास कार्य को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए, एक दूसरे से बहस करने लगे। 65वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा हॉकी प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग का फाइनल मुकाबला प्रलायता बनाम भीमपुरा में 2-2 विजेता रही। छात्र वर्ग को फाइनल मुकाबला सवाईपुर बनाम भीमपुर में 1-1 विजेता रहे। छात्र वर्ग में विजेता भीमपुर, उप विजेता सवाईपुर तथा तृतीय स्थान पर फुलिया कल्प की टीम रही। वहीं छात्रा वर्ग में विजेता रलायता, उप विजेता भीमपुरा तथा तृतीय स्थान पर गेगा का खेड़ा की टीम रही। इसमें बेस्ट प्लेयर का खिताब छात्रा वर्ग में पिंकी गुजर रलायता व छात्र वर्ग में एजाज बियासती भीमपुरा को दिया गया। समापन समारोह मंच पर राजनीति जंग देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर गेगा का खेड़ा सरपंच शंकरलाल शर्मा ने मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल व कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस दौरान एक दूसरे से तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। समापन समारोह कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा, उप प्रधान कैलाश सुथार, उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुजर, गेगा का खेड़ा सरपंच शंकरलाल शर्मा, बूंदी जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम वैष्णव आदि कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सरपंच साहब, मैं आपको और कहना चाहता हूँ, दूसरे 35 लाख रुपया लगाया हो आपने, कुछ भी लगाया, 2 करोड़ रुपए आए शुरू में। क्या बात, आज तो भाग भी हो गया।